till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hi guys, good morning. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज से फिर नई सुबह के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। अभी टाइम हुआ है 12:30 बजी है, अभी 12:30 बजी, अभी उठ के रेडी हुआ हूँ मैं। आज मेरा दूसरा दिन है उदयपुर में। कल व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था तो उसको दो पार्ट में डालेंगे, वो आप देख लेना। तो यहाँ पे एक मेरा भाई रहता है, उदयपुर में रहता है, उसके पास बाइक वगैरह है। उसका कॉल है, उसने बोला मैं घुमा देता हूँ इधर उदयपुर में 2-3 जगह। ठीक है, उसको कॉल किया, बोले मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। आज देखते हैं कहाँ जाते हैं घूमने, कोई लोकेशन हो अच्छी बताते हैं आपको। साथ बने रहिए व्लॉग पे, मिलते हैं, उसका वेट करते आते हैं जब तक। हाँ तो भाई मैं निकल चुका हूँ घर से। मेरे भाई ये ना जो आ रहा है, उसका कॉल आ गया कि यहाँ खड़ा है, इधर एक होटल है उसके उधर खड़ा है, तो उधर जाते हैं, मिलाते हैं उससे भी आपको। तो गाइस मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ यार, मेरे साथ चोट कर दी इन लोगों ने, बहुत बड़ी गोली दे दी है। मैं यहाँ पहुँच गया, बोले वहाँ खड़ा हूँ, वो तो है ही नहीं। वेट करते हैं उसका, उसको कॉल लगा के पूछते कहाँ है। 3 weeks later जी आ गया यहाँ पे। तो गाइस ये यहीं रहते हैं उदयपुर में, काफी इंतजार कर रहे हैं इन्होंने, चलते हैं कहीं घूमने आगे। गाइस हम सेलिब्रेशन मॉल जा रहे हैं, अभी सेलिब्रेशन मॉल डिसाइड हुआ है, जाके और जगह जाएंगे तो आपको बता देंगे। हाँ तो गाइस हम सेलिब्रेशन मॉल पहुँच चुके हैं, अंदर चलते हैं इसके। तो ये भाभी भी हमारे साथ में चल रहे हैं, बिना मास्क के इधर एंट्री नहीं है। शानदार सजाया है, अभी वो क्रिसमस आ रहा है ना, उसके लिए पूरा सजाया है, ये देखिए। गाइस ये बहुत अच्छा सजाया है ये, मैं इसके हिसाब से। We haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create. तो गाइस इधर हर तरह के ब्रांड के शोरूम है, एडिडास, ज़ारा का है? ज़ारा नहीं है इधर, ज़ारा नहीं है, और पेंटालूम्स भी है, इमेजिन आईफोन का, आईफोन की है सारी। तो गाइस इधर आईफोन में मतलब जो लेटेस्ट आईफोन होता है वो सीधा इधर आ जाता है। तो ये अंकल जी हमें मिले, आपका नाम क्या है? मैकडोनल्ड्स बाबा झिंगा लाला हुहू वाले। गाइस जब ऊपर चलते हैं थोड़ा फोटो वोटो खिंचा लेते हैं, पीछे देख सकते हो सारे पूमा के स्केचर्स, सब तरह के ब्रांड है इधर। गाइस ट्रेन आ गई, सीधा जोधपुर जाएंगे इस ट्रेन में, यूं नहीं तो 3 ट्रेनें चेंज करनी पड़ती है, आपको पता होगा। जयपुर जंगल है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का, देखते एक पूरा आएगा जयपुर जंगल। कैंडी भैया आपका नाम क्या है? इरांग। तो कैंडी अलग अलग प्रकार की है इधर? हाँ जी भैया। मतलब ऐसी क्या खास है इनमें? सारी यूनिक है, सारी यूके ब्रांड है। तो ये देख सकते हो सारी कैंडी है, यूके ब्रांड की है, हाउस ऑफ कैंडी। देखो क्या लेना है, ठीक है, पल्सर NS, उसके लिए इसको वीकन वगैरह कुछ सभी में लगती है, छल्ला वल्ला लेना है। आया पसंद आया? हाँ ले ले, सब खरीद ले, ये अभी भी कंफ्यूज है इसको, यहाँ पे कम से कम आधा घंटा हो गया ढूंढते ढूंढते। हाँ तो गाइस जब बाहर आ गए, अब निकलते हैं, ये गाड़ी निकाला भाई, तो अब निकलते हैं कोई नेक्स्ट लोकेशन पे, देखते हैं कोई अच्छी जगह 2-4। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं नेक्स्ट लोकेशन का, सर्कल अभी आ रहा है सुखाड़िया सर्कल। गाइस अभी हम सुखाड़िया सर्कल पहुंच चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है सब, मतलब जोधपुर में 7-6 सर्कल है वैसा, यहाँ पे सुखाड़िया सर्कल है, पर वहाँ गार्डन है, यानी अंदर बीच में मतलब बोटिंग होती है। वो देखिए नाव खड़ी है, जैसे मैं बता सकता हूँ वो नाव खड़ी है इतनी सारी, और बहुत ही शानदार जगह, कभी आइए घूम के जाइए। गाइस यहाँ पे सारी खाने की स्टॉल लगती है, खाने पीने का है इधर, मतलब लोग बैठ के आराम से बहुत नाश्ता कर सकते हो इधर, सब बैठे हैं। क्या यहाँ की फेमस आइसक्रीम वगैरह, साउथ इंडियन खाना भी मिल जाता है गाइस इधर, सब मतलब A to Z खाने की चीज़ें सारी यहाँ मिलेगी आप लोगों को। गाइस हम ये चेतक सर्कल है, जो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था जिसका नाम चेतक था, कश्तियाँ यहाँ विसर्जित की गई है। मैंने देखा ये चेतक की समाधि इधर बनाई गई थी, उसके नाम से ही सर्कल का नाम रखा गया चेतक सर्कल। गाइस काफी अच्छी लोकेशन है यहाँ पे, अभी हम रानी रोड जा रहे हैं, मतलब ये रानी रोड नहीं है, आगे जा रहे हैं। गाइस मेरे पीछे पूरा फतेह सागर है, ये देखो। गाइस यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी होटल है इस रोड पे, सारी बहुत सारी होटल है। तो गाइस यहाँ पे हेरिटेज है, राजाओं महाराजाओं के टाइम के बने हुए। तो गाइस ये होटल है रेडी सीन्स, इधर ही है रानी रोड के
बैक साइड में। तो गाइस अभी हम लोकेशन पे पहुंच चुके हैं, ये है रानी रोड। पीछे देख सकते हो आप कितना शानदार नजारा है। उदयपुर तो एक नंबर लोकेशन है, और मेरे पीछे देख सकते हो ये राजीव गांधी पार्क है, बहुत बड़ा उद्यान है यहाँ का। हम अभी फोटो शूट करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं, कैमरे की थोड़ी सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। फोटो शूट करेंगे उसके लिए कैमरे की सेटिंग वेटिंग कर रहा है वो। तो लोकेशन इतनी अच्छी है, फोटो शूट तो करना बनता ही है। तो गाइस देख सकते हो बहुत ही सुंदर लोकेशन है मेरे पीछे पूरा। ये रानी रोड है, उस साइड जाओगे ना इसके उस साइड में तो वो फतेह सागर है, वो भी बहुत अच्छी लोकेशन है। तो यहाँ पे अब थोड़ा फोटो शूट करवा देते हैं। जब यहाँ से निकलते हैं फोटो शूट और वीडियो बना दी, अब नेक्स्ट लोकेशन पे जाते हैं। तो गाइस अभी हम फतेह सागर रुके हैं। ये पानी फुल हो जाता है क्या यहाँ पे? अरे बिल्कुल होता है यहाँ पे, वैसे नो पार्किंग करा हुआ है लेकिन अपन वीडियो के लिए कर रहे हैं। तो मतलब बारिश वारिश में पानी बाहर आ जाता है? बिल्कुल आता है, लेकिन अभी टेंशन की बात नहीं है, बारिश अभी खत्म हो चुकी है, ठंड स्टार्ट हुई है अभी। तो गाइस जैसे कि इन्होंने बताया कि ना इधर पानी फुल आ जाता है, ये यहाँ पे आया भाई बस, ये ना फुल आ जाता है यहाँ पे, बहुत रिस्की मामला है भाई। ऊँट है, कितने तरह की सवारी कर सकते हो आप, ऊँट घोड़ा वगैरह, बोटिंग वगैरह सब होती है इधर। फतेह सागर की चाट पकौड़ी उदयपुर में फेमस है, पीछे स्टॉल लगी। अभी हम ये उदयपुर का है बापू बाजार, तो अभी हम जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं अपन? जगदीश मंदिर से होते हुए अपना गणगौर घाट जाएंगे हम। तो जगदीश मंदिर से होते हुए गणगौर घाट है इधर, वहाँ जा रहे हैं अभी। छोटी सी गली है, सामने से कार आ रही है, टैक्सी आ रही है, तो हमको पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। इधर पूरा जाम लग चुका है, ये खड़ा भावे में उतर के आया हूँ गाड़ी से। गाइस पीछे काफी जाम लग गया था, दूसरे रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जाम लगा ही भाई उस साइड में। तो गाइस इधर से भी निकल रहे थे, इधर से भी पीछे बंद है, पूरा काम चल रहा है, तो वापस उधर से ही जाना पड़ेगा, फालतू टाइम वेस्ट किया। वीडियो अलाउ नहीं है, देखते टेम्पल पर अंदर शूट करना अलाउ नहीं था, इसके अंदर जाके आगे फिर आपको बाहर से बता रहा हूँ। हमको जाना है गणगौर घाट, इस साइड में लेना है। गाइस गणगौर घाट पहुंच चुके हैं। घनगौर घाट पहुंच चुके हैं, पीछे देख सकते हो ये घनगौर घाट है, मतलब सारी हेरिटेज है, मतलब होटलें बने हुई है, कोई कैफे बना है, और ये सामने म्यूजियम है। अंदर आ गए हैं घनगौर घाट, बड़ी मुश्किलों के बाद पहुंचे हैं, और व्यू बहुत शानदार आ रहा है। इसके बाल की वाट लग चुकी है, हमारे तो बाल ही नहीं, हालांकि क्या वाट लगेगी। मतलब सारी होटलें उस इसके गणगौर घाट के उसे देखिए आप, सारी होटलें इधर। बीच में ये होटल है, बहुत ही महंगी। तो गाइस यहाँ पे पानी एकदम साफ अंदर तक दिख रहा है, ये देखिए अंदर तक पानी दिख रहा है, वो पड़ा किसी का कवर, यहाँ भैया कोई किसी का कवर हो तो बता देना। मतलब अंदर अंदर कचरा, ऊपर ऊपर पूरा साफ। अभी हम बहुत गंदे वाले जाम में फंस चुके हैं। तो गाइस उधर भी पूरा मतलब फंस चुके हैं, ये रोड टूटी हुई है, यहाँ काम चल रहा है। सिटी के अंदर यही होता है, गाड़ी अड़ गई। तो गाइस अभी इनकी गाड़ी ठुक चुकी है। गाइस अभी हम यहाँ रुके हैं, पाव भाजी खाने, पाटीदार रसगुल्ला चाय बहुत ज़्यादा फेमस है, अभी चाय भी पियेंगे। तो गाइस हमारी पाव भाजी आ चुकी है, इसको खाते हैं फिर मस्त चाय पी के। तो गाइस हमारी चाय भी आ चुकी है, चाय पीते हैं, और यहाँ की पाटीदारी की रजवाड़ी चाय ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया ही था। चाय पीते हैं जल्दी जल्दी, फिर निकलते हैं घर की तरफ, घर चल के बात करते हैं। गाइस अभी पेट्रोल पंप पर पहुँच चुके हैं, तेल भरा देते हैं इसमें। गाइस अभी पेट्रोल पंप पर रुके हैं पेट्रोल भराने, और ले मेरी बैटरी लो। तो गाइस आगे देखते हैं, कहीं गया तो मैं ब्लॉग बना दूंगा, कैमरे से बना दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इसी ब्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्दी आ जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि मेरे को डेली ब्लॉगिंग करनी चाहिए या नहीं। आज का ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ, बाय बाय, जब तक के लिए ध्यान रखना।